किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारे पेरेंट्स कभी हमसे ये नहीं चाहते कि हम उनके एहसानों को चुकाएं, पर क्या कभी हमने अपने पेरेंट्स के उस अनकंडीशनल प्यार और सेक्रीफाइस को समझने की कोशिश की। हाय दोस्तों, मैं प्रिया आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपको बताएगी कि क्यों हमें अपने पेरेंट्स की बातों को समझना चाहिए। एक रात 12 साल की मीरा अपनी माँ से बहस करके अपने घर से बाहर चली गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे याद आया कि उसके पास तो पैसे भी नहीं थे जिससे वो घर पर एक कॉल कर पाती। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सामने नूडल्स की एक शॉप दिखी तो वो उसके सामने ही रुक गई। मीरा को बहुत तेज भूख लग रही थी, पर पैसे ना होने की वजह से वह अंदर जाने से घबरा रही थी। शॉप के ओनर ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बाहर खड़ी है तो वो उसके पास आया और कहा, क्या हुआ बेटा, क्या आप कुछ खाना चाहती हो? अंदर चलो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। मासूम सी मीरा ने कहा, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तब ओनर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसे मेरी तरफ से एक ट्रीट समझ के खा लो। वो ओनर मीरा को अंदर ले आया और एक टेबल पर बैठा कर उससे कहा, रुको मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद वो ओनर एक बाउल में नूडल्स भर के मीरा की टेबल पर ले आया। क्योंकि मीरा को बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए उसने जल्द ही खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद मीरा अचानक से रो पड़ी। ये क्या, तुम रो क्यों रही हो बेटा? ओनर ने मीरा से पूछा। तो मीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं अंकल, आपकी ये छोटी सी हेल्प मेरे दिल को छू गई। आपने एक अनजान होकर भी मेरी मदद की, मुझे कुछ खाने को दिया। पर मेरी माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, वो अच्छी नहीं है। फिर उस ओनर ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, जरा ध्यान से सोचो। मैंने तुम्हें बस कुछ नूडल्स खाने को दिए हैं और तुम इसे अलग तरीके से सोच रही हो, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा बचपन से ध्यान रखा है तो क्यों तुम उनसे इतनी नाखुश हो? ये सब सुनकर मीरा थोड़ी हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं ऐसा क्यों ना सोचूं? किसी अनजान इंसान के दिए हुए नूडल से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी तरफ आपकी बात भी सही है कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से संभाला है, पर मैं उनके प्यार और केयर को कभी समझ ही नहीं पाई। इतना कहकर मीरा वहाँ से अपने घर वापस जाने लगी। रास्ते में वो सोच रही थी कि वो अपनी माँ से माफ़ी मांग लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो अपने घर पहुँची तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके लिए काफ़ी परेशान सी थी। जब उन्होंने मीरा को देखा तो कहा, मीरा अंदर आओ बेटा, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया है, आओ जल्दी खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मीरा अपने आप को रोक नहीं पाई और अपने माँ के गले लगकर जोर से रोने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तुम तो मेरी सबसे समझदार बेटी हो ना, चलो अब रोना बंद करो और कुछ खा लो। उस दिन के बाद से मीरा अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहने लगी और उन्हें समझने लगी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार हम अपने आसपास के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनकी तारीफ करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस को उनकी ज़िम्मेदारी समझकर उनकी रेस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। हम शायद कभी कभी ये भूल जाते हैं कि माँ बाप का प्यार उनकी तरफ से दिया हुआ दुनिया का सबसे कीमती तोहफा होता है।